हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। दोस्तों एक तरफ है अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी तरफ है दोस्तों एजुकेशन। दोस्तों इन दोनों में गिरावट बहुत ही बड़ी मात्रा में हो रही है। अगर भारत की बात करते हैं दोस्तों तो 2020 ये एक ऐसा साल है दोस्तों जहां पे हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट 40 साल तक आज तक दोस्तों इस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट हमारे भारत में नहीं था जिस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट 2020 में भारत में देखने को मिलता है। बट दोस्तों इसी के बीच में एक पॉइंट जो हमारा जूझ रहा है दोस्तों वो है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर की दोस्तों कोई बात नहीं करता। एजुकेशन सेक्टर इस समय बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है दोस्तों। अगर आप इसको एजुकेशन से बात करते हैं और एग्जाम से लेके रिजल्ट तक दोस्तों इन तीनों में इनके प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो है और बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में दोस्तों आप लोगों ने तो सुन ही लिया होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाया तो बहुत ही अच्छा गया है दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर तो बहुत ही शानदार है बट क्या दोस्तों ये इम्प्लीमेंट भी उसी तरीके से किया जाएगा ये तो हमें देखने को मिलेगा इम्प्लीमेंट के बाद कि दोस्तों इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं ये दोस्तों हमें इम्प्लीमेंट होने के बाद ही पता चल सकता है। जो आज का टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा बोर्ड एग्जाम। दोस्तों 10th और 12th जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 10th और 12th के बच्चों के बोर्ड एग्जाम होंगे या नहीं होंगे दोस्तों ये अभी तक किसी को क्लियर नहीं है दोस्तों। इसके एग्जाम होंगे या नहीं होंगे बच्चे कंटिन्यू स्टडी तो कर रहे हैं बट दोस्तों स्टडी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है आज इसी बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप नेट पे देखेंगे कि 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम कब होने वाले हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो डेट मिलेंगे उसी तरीके के डेट होंगे दोस्तों जिस तरीके के हमारे प्रीवियस ईयर साल के डेट होते थे। दोस्तों कोई बदलाव नहीं आया है। लगता है ऐसे कि जैसे दोस्तों 2020 में कुछ हुआ ही ना हो। उनके हिसाब से एग्जाम्स लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों और उसी तरीके से एग्जाम लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों अगर आप अभी देखेंगे तो 10th के जो एग्जाम शुरू होने वाले हैं वो 5th मार्च से होंगे दोस्तों। अगर आपने दोस्तों ध्यान दिया होगा कि इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों कि प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम लिए जाते थे बोर्ड के और इस साल जो बोर्ड के एग्जाम लिए जा रहे हैं दोस्तों उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक तरफ है दोस्तों कि बच्चे स्टडी नहीं कर पा रहे हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं स्टडी करने में। दूसरी तरफ है दोस्तों हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है दोस्तों वो एग्जाम लेने की बात कर रही है दोस्तों। एग्जाम कैंसिल या फिर उसका सोल्यूशन इसकी कोई भी बात हो नहीं रही है दोस्तों। अगर स्टूडेंट कंडीशन की हम बात करते हैं दोस्तों तो 25th मार्च दोस्तों 25 को जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा हुआ था दोस्तों इसके बाद से ही हमें इकोनॉमिक सेक्टर में बहुत ही गिरावट देखने को मिलती है दोस्तों। हर एक सेक्टर में अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों कि भारत की पूरी इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था है वो दोस्तों नीचे आ चुकी है। वहीं पे दोस्तों दूसरी तरफ हमें एजुकेशन सेक्टर भी गिरते हुए दिखाई देता है दोस्तों। जब लॉकडाउन हुआ था 25th मार्च जिस दिन दोस्तों फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से ही दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि बच्चों के एजुकेशन को लेकर पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान रहते थे दोस्तों। उन्हें लगता था कि अब बच्चों की स्टडी किस तरीके से कराई जाएगी दोस्तों। मार्च के बाद तो अप्रैल मई जून तक का महीना तो इसी बात में चले जाता है दोस्तों कि हम स्टडी किस तरीके से करेंगे दोस्तों। उसके बाद निकल के आते हैं कि हम ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएंगे दोस्तों, ऑनलाइन उनकी स्टडी करवाएंगे। बट दोस्तों रियलिटी ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन में क्या है दोस्तों, मैंने पिछले ही वीडियो में दोस्तों बताया हुआ है कि किस तरीके से डिजिटल एजुकेशन दोस्तों किस तरीके का इफेक्ट हमारे इंडिया पे डालता है दोस्तों और कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। अगर दोस्तों अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करिए और वहां पे जाके उस वीडियो को आप देखिए। तो दोस्तों एक तरफ है कि बच्चे ऑनलाइन स्टडी सही से नहीं कर पा रहे दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है दोस्तों। जो खास सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों जैसे मैथ्स हो गए, साइंस हो गए दोस्तों, वो ऑनलाइन पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो क्या दोस्तों आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि फरवरी या अप्रैल तक आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे पढ़ा के? जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन उनसे कोई राय दोस्तों पूछ नहीं रहा कि किस तरीके के ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं दोस्तों। बच्चों का रिस्पॉन्स दोस्तों क्या आ रहा है, क्या ऑनलाइन स्टडी में वो कंफर्टेबल फील कर पा रहे हैं दोस्तों? दोस्तों एग्जाम तो ऐसे लिए जा रहे हैं जैसे कि लग रहा है कि हमें पहले से ही पता था कि दोस्तों कोरोना आने वाला है दोस्तों। हम पहले डिजिटली हो जाते हैं सब लोग और डिजिटल होने पे हमें पता चलेगा दोस्तों कि किस तरीके की स्टडी हमें करनी है दोस्तों। 3 महीने तो लग गए हमें स्टेबल होने में कि ऑनलाइन एजुकेशन हमें किस तरीके से लेनी है दोस्तों। दोस्तों अगर हम सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों तो टोटल ओवरऑल दोस्तों 25% सिलेबस को कम कर दिया गया है दोस्तों। आप सोचिए क्या 25% सिलेबस कम करने से क्या ये एग्जाम को देना सही होगा दोस्तों? क्या हम इस एग्जाम को देने के लिए तैयार हैं? वो मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर होगा दोस्तों नहीं, क्योंकि दोस्तों सिलेबस कंप्लीट हुए ही नहीं है किसी के। तो दोस्तों किस तरीके का एग्जाम ये होगा और किस बेसिस पे एग्जाम लिया जाएगा? दोस्तों जब एग्जाम की डेट को रिलीज कर दी जाती है 10th और 12th के दोस्तों, हर एक स्टेट में एग्जाम डेट को रिलीज करने के बाद दोस्तों हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आदित्य ठाकरे और सीएम
उदय ठाकरे दोस्तों इन्होंने पीएम मोदी को लेटर लिखा और उस लेटर में ये कहा गया हमें एकेडमिक ईयर स्टार्ट कर देनी चाहिए, हमें एकेडमिक ईयर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो ईयर था दोस्तों ये हर एक स्टूडेंट के लिए दोस्तों कह सकते हैं कि पूरे देश के लिए दोस्तों ये बहुत ही बेकार साबित होने वाला साल था दोस्तों। तो दोस्तों उदय ठाकरे के द्वारा कहा गया कि दोस्तों हमें एक एकेडमिक ईयर स्टार्ट करनी चाहिए और इस ईयर को दोस्तों जीरो एकेडमिक ईयर बोल देना चाहिए। और दोस्तों इस लेटर का कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता दोस्तों। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी कहते हैं कि दोस्तों ये कोई जीरो एकेडमिक ईयर नहीं है दोस्तों, यहाँ पे भी एग्जाम लिए जाएंगे, बस उन्होंने हमें थोड़ी सी राहत दी है दोस्तों। उन्होंने कहा कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो सकते हैं 2 महीने आगे। तो क्या दोस्तों आप सोचिए कि जो बच्चा पूरे साल पढ़ाई नहीं करेगा तो 2 महीने अगर पोस्टपोन कर दिए जाते हैं दोस्तों तो क्या 2 महीने में स्टडी कर पाएगा? और दोस्तों ये भी प्रश्न उठ के आता है दोस्तों, क्या हम बच्चों से इस तरीके से कभी ऑनलाइन लेक्चर्स लिए हैं दोस्तों, तो क्या बच्चे अपने आप को उस तरीके से कंफर्टेबल फील करा पा रहे हैं दोस्तों, क्या उनकी स्टडी प्रॉपर ढंग से हो पा रही है? लेकिन इसके बारे में हमारी गवर्नमेंट को कुछ भी सोचना नहीं है दोस्तों, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम लेना है। किसी भी स्टूडेंट को दोस्तों ये कंफर्म नहीं पता है कि दोस्तों बोर्ड एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, कब होंगे दोस्तों, इन प्रश्नों के सवाल की बात कोई नहीं करता दोस्तों। हमारे मीडिया में भी इसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं की जाती है दोस्तों, और बड़े बड़े यूट्यूबर भी इस बात पे कोई भी चर्चा नहीं करते दोस्तों। तो दोस्तों इतनी खराब कंडीशन में अगर स्टूडेंट एग्जाम देंगे दोस्तों तो आपको उसका रिजल्ट पता होगा दोस्तों कि 10th और 12th के बच्चों का अगर एग्जाम हुआ तो दोस्तों किस तरीके का रिजल्ट आगे सामने आ सकता है, ये आप सब को पता है दोस्तों। दोस्तों हमें कैसे भी करके इस एग्जाम को रोकना होगा दोस्तों, या फिर अकेडमिक ईयर एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है दोस्तों, जो कि हमारी गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अगर दोस्तों हमने अकेडमिक ईयर को स्टार्ट कर दिया दोस्तों, अकेडमिक ईयर का दोस्तों मतलब ये होता है, कि दोस्तों हमें एक नए सिरे से इस साल को स्टार्ट करना चाहिए दोस्तों, जनवरी से लेकर दिसंबर तक इस पूरे 12th मंथ का यूज करना चाहिए हमें, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर साल बर्बाद हुए हैं। तो जनवरी से हमें अपने नए साल को स्टार्ट करना चाहिए दोस्तों और उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये एग्जाम लेना सही होगा या गलत होगा दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि दोस्तों एग्जाम को लेना एक गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया अच्छा डिसीजन है दोस्तों, या फिर स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी की जा रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना ना भूले दोस्तों। इस वीडियो को दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंच पाए दोस्तों कि हमारे स्टूडेंट की किस तरीके से कंडीशन चल रही है दोस्तों, क्या वो एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है दोस्तों, क्या इस एग्जाम को वो दे पाएंगे, अगर देते हैं दोस्तों तो परिणाम क्या होगा, ये हमारे लोगों को बताना होगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।